पता नहीं है कि कितना आवाज़ निकाल लेते हैं उस भाषा में, किसको किसको हम बुला लेते हैं, क्या कह लेते हैं, हमको कुछ पता नहीं है। अभी किसको आप बुला सकते हैं? कौवा लोग को बुला सकते हैं। आ जाएंगे कौवा जी? चलिए बुलाइए। अब इनकी आवाज को भैया कौवा सुने। बहुत सारे कौवा आएंगे, देखिए सर, देख लीजिए कौवा को बुलाने। कौवा चलने लगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको मैं दिखाता हूँ एक अलग अंदाज में। आप लोग कहते हैं ना कि कहाँ से सब आ जाता है, लेकिन आज मैं हूँ अपने पैतृक आवास गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में एक लामा पड़ता है। लामा आप देख सकते हैं इधर, रोड भी ख़राब था लेकिन इसमें कई बार कोई सुना नहीं है ना सुनेगा। आज मार्केट लगने वाला था, अब मैं लामा पहुँच चुका हूँ। बिहार था, बिहार से आया तो लामा में एक ऐसे कलाकार से हमारी मुलाकात हो गई जो देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इंसान के रूप में अगर जानवर बन जाए, जानवर की आवाज़ निकालने लगे तो काबिलियता कहाँ से आती है, ये भी देखना बड़ा अजीब है। और ऐसा नहीं, एक चीज़ और मैं बता दूं कि दोनों लोग जुड़वा हैं, हम देख के भी भरम गए कि आखिर इसमें से कौन होगा। दोनों जुड़वा भाई हैं और जुड़वा भाई, लेकिन कला दोनों लोग में कूट कूट के भरी है। मैं बता दूं कि हूँ इस समय लावा में, और लावा में आप देख सकते हैं हमारे बीच में है मन्नु जी, और मन्नु के भाई तन्नु है। तन्नु जी ये नाम है, धन्नु मन्नु नाम है, धन्नु और मन्नु। ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं कि नाम तो जितना है धन्नु और मन्नु, काबिलियता भी उतना ही है। क्या कर लेते हैं धन्नु जी आप? सर मैं तो सबसे पहले पर दर्शक लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ। जी हम रहने वाले हैं लामा का, जिला गाजीपुर है, थानवारा पड़ता है भाई जी। हम बहुत सारा पक्षियों का, बहुत सारा जानवर का आवाज़ निकालते हैं। अभी इनका मैं आवाज़ नहीं निकलवाऊंगा, लेके चलूंगा। एक चीज़ अद्भुत चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि जैसे ही आवाज़ निकालते हैं तुरंत वहाँ पे पक्षी आ जाते हैं। अगर ये कौवे की आवाज़ निकालते हैं तो कौवा निश्चित आ जाता है, काबिलियता इसमें है। ऐसा नहीं, आवाज़ तो आप लोग तमाम देखे होंगे कि तमाम तरह से आवाज़ें निकलती हैं, तमाम तरह से मतलब लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी काबिलियता है कि अगर कौवे की आवाज़ निकाले तो कौवा आ जाएगा, अगर मोर की आवाज़ निकालते हैं तो मोर आ जाता है। मैं लेके चलता हूँ आपको जंगल में, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको दिखाता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? तसव्वुर अली धन्नु। अरे धन्नु मन्नु ना सर, आप लोग दोनों जुड़वा लोग हैं जी, जुड़वा है? सस्पेंशन में तो मैं भी पड़ गया था, आप में क्या काबिलियत है भैया? ये दुकान करते हैं और एक लोग आवाज़ निकालते हैं। सच्चाई है कि आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जाते हैं कि भगवान सब कुछ एक अलग कर देता है। चलिए आपको लेके चलते हैं जंगल में और वहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे पक्षियों की आवाज़। आप लोग जानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान की कॉपी कर सकता है, लेकिन एक इंसान होकर कैसे कॉपी कर सकता है पक्षी का? मैं आपको लेके चलता हूँ जंगल में, दिखाता हूँ कैसे होता है। चलिए सर चला जाए, आप चलेंगे देख सकते हैं। थोड़ा सा दिव्यांगता भी है, लेकिन उन्होंने दिव्यांगता को मात दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए क्या लेंगे? अच्छा डंडा लेंगे, ले लीजिए भैया, चलते हैं थोड़ा सा है, लेकिन है इनको दिखाओ बस। तो मैं लेकर आ गया आपको, और अब दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये कैसे पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। जो पक्षी चल के इनके आवाज़ को सुनकर समझता है कि मेरा ही कोई है जो मुझे आवाज़ दे रहा है। मैं अनजान बाबा हैं यहाँ पे, लावा में हैं, बड़ा प्रसिद्ध हैं, इनकी महिमा अपरंपार है, लोग जानते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तो पूर्ण भी होता है, कभी कभी मेला भी यहाँ पर लगा करता है। तो ऐसे था, और फिर मैं मनु साहब से चाहूँगा कि आप कैसे पक्षियों का, इनसे ही वार्तालाप कर लेते हैं। मनु साहब जैसे होता है कभी, आप एक इंसान हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि एक इंसान देख लिया जाए तो इंसान की आवाज़ बदल सकता है, लेकिन ये मन में कैसे आया कि मैं पक्षी का आवाज़, ये कब से मतलब है? साहब मैं बचपन से मैं बगीचे में साहब रह गया, सभी पक्षियों का और जानवरों का आवाज़ में सीखते सीखते मैं आवाज़ निकालने लगा। मतलब बगीचे में रहते रहते आप पक्षियों के बीच में आ गए? जी बीच में आ गए। दुर्भाग्य है भैया, लेकिन
बहुत अच्छा है। मनु साहब एक अलग हैं, दिव्यांगता होने के बावजूद भी कभी हार नहीं माना, कहा कि लड़ना है, मैं लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा। देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में कोई एक यूनिक होता है, चाहे हम हो, चाहे मनु हो, चाहे धनु, हर एक इंसान में कोई ना कोई यूनिक होता है। आज हमारे बीच में एक यूनिक पर्सन ऐसे हैं जिनको हम अगर कह लिया जाए तो उनकी परिकल्पना भी बड़ा कम पड़ेगा। तो अब बताइए आज किस चीज़ का, आप जैसे जानवर में कितने जानवरों का आवाज़ और पक्षियों में कितने, साहब हमको खुद पता नहीं है कि कितना आवाज़ निकाल लेते हैं, उस भाषा में किसको हम बुला लेते हैं, क्या कह लेते हैं, हमको खुद पता नहीं है। अभी किसको आप बुला सकते हैं? कौवा लोग को बुला सकते हैं। आ जाएंगे कौवा जी? चलिए बुलाइए। अब इनकी आवाज को भैया कौवा सुन, देख लीजिए कौवा को बुलाने, कौवा को। अरे वाह वाह, देख सकते हैं इधर कौवा आने लगे, देख सकते हैं अभी कौवा नहीं था लेकिन कौवा आने लगे, कौवा को दिखाइए। अरे बाप रे, इन्होंने जब पुकारा तो कौवा, आप देख सकते हैं इधर कौवा नहीं था, जूम करके दिखाऊं कुछ कौवे नहीं थे लेकिन कौवा यहाँ पे आने लगे। वाह भाई वाह। तो ये कौवा जैसे मतलब आप जो कौवे की आवाज़ निकालते हैं, कौवा चले आते हैं, तो ये क्या मतलब है? जैसे कभी कभी लगता नहीं है कि आपको कि नहीं कौवा आएंगे तो कभी कौवा घायल भी कर देते हैं? नहीं, उन लोग को ये होता है कि लग रहा है कि हम लोग के भी कोई पकड़ा है, तो इसलिए उनको कोई पकड़ा है तो वो लोग आते हैं देखने के लिए आखिर में क्या बोल रहा है, वो तो हम बोल रहे हैं। एक बार और बोलिए कौवा। देखिए, अरे वाह वाह, कौवा आने लग। बहुत सारे कौवा आते होंगे इस समय अपने पेट के भोजन के लिए कहीं गए होंगे वो लोग। बहुत सारे कौवा जाएगा तो कौवा आ जाएंगे। आप देख लीजिए इन्होंने कौवा का आवाज जैसे ही निकाला कौवा आने लगा। और कैसे कैसे पक्षियों का आवाज निकाल लेते हैं? मोर सब निकालता हूँ तो मोर बोलने लगती है। ये साहब मोर का आवाज है। अच्छा जी। और बकुला बोलता है। ये साहब बकुला का आवाज है। और मुर्गा का, जब मुर्गा जैसे मैं बोलता हूँ तो मुर्गा भी बोलता है। अरे वाह। और बत्तख का ये बत्तख का है। हाँ जी, मतलब पक्षियों का ज्यादा आवाज निकालते हैं आप ना? और जब बकरी का जब मैं आवाज निकालता हूँ तो बकरी बोलने लगती है। अरे बकरी तो है ना इधर, लेकिन हाँ। बकरी का भी आवाज निकलता है। मैं आवाज निकालता हूँ वो सब चीज में सेम सेम आवाज निकालता हूँ, सेम टू सेम। अच्छा, मतलब जिसको आप आवाज निकालते हैं वो निश्चित बोल। ये बकरी का आवाज है। अच्छा, अरे अरे ये बकरी का आवाज है। और जानवरों में कैसे कैसे जानवरों का आवाज निकाल लेते हैं? जानवर में जैसे मान लीजिए सांप पकड़ता है मेजुका को, तो मेजुका जैसे बोलता है वैसे आवाज निकालते हैं। जी जी। अरे अरे, जैसे मेंढक अगर सांप पकड़ लिए लेता है मेंढक को, तो मेंढक ऐसे ही चिल्लाने लगता है क्या सर? जी। अच्छा, ये कब से मतलब बचपन से था या फिर बाद में ऐसे मतलब? नहीं, जब 8-10 साल का था तभी से मैं प्रयास करने लगा सर। इस समय मतलब सफलता पा गया, हर चीज का आवाज में निकाल लेता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इस आवाज निकालने का जो आपका अच्छा लगता है? जैसे एक उद्देश्य भी होता है, देखिए किसी भी कार्य आदमी करता है तो हर एक कार्य का उद्देश्य होता है। तो मनु साहब आपका उद्देश्य क्या है ये सब निकालने का? ये निकालने का उद्देश्य क्या है, हम सोचते हैं कि जब मान लीजिए हमारे अंदर जो इतना सब कला है तो अपना दर्शक लोग को दिखाएं और सुनाया दर्शक लोग का मन मतलब उन लोग का ठीक रहेगा। अरे जी, कभी कभी लगता है कि और सर ये बात है कि जंगल में हम रहते हैं, जंगल में पर लेकिन हमको ये यकीन नहीं होता है कि हम जंगल में हैं। जब भी अकेले रहते हैं तो सर कौवा से बोल देते हैं, हजार कौवा आ जाते हैं। अरे वाह, मतलब किसी भी जंगल में जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी बोल देते हैं कौवा लोग आ जाते हैं। या मुर्गा है, मुर्गा जैसे बोल देते हैं मुर्गा भी लगते हैं बोलने लगते हैं, बकरी बोलने लगती है, मोर बोलने लगती है। अरे जी भाई, मोर मोर को थोड़ा सा एक बार और आप बोलिए।
अरे अरे मोर का आवाज ये निकाल रहे हैं। और कभी कभी नहीं लगता कि जैसे पशुओं का आवाज देखा जाए, जैसे गधा हो गया, बैल हो गया, ये सब इसमें कोई किसी का नहीं निकाल पाते हैं? वो सब का नहीं निकालते हैं, सिर्फ पशुओं का निकालते हैं। पक्षी का छोटा सा निकालते हैं। तो पशुओं में और जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती है, कभी जैसे आप इस पे देख रहे हैं बोल रही है, तो इन और कोयल का निकाल लेता हूँ। अरे वाह, कोयल की बोली बोलती है, काका ओपी का हाँ, काका ओपी का हाँ। अरे वाह वाह भैया, ये हैं इंसान तो हैं लेकिन पक्षियों के बीच में रह गए और पक्षी की ही आवाज़ निकालते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं, आपको जब जंगल में आप जाते होंगे तो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आप चले गए तो लगता है कि अरे यार सब क्या है, ऐसा भी तो होता होगा? जी हाँ होता है, लेकिन खोते चलो वही मनु भाई आ गए, आप कौवा लोग को बुलाएंगे, अब साइन हो गया आप जी। अरे वाह, तो यहाँ के सभी लोग आपको जानते हैं? हाँ सभी लोग जानते हैं सर। हाँ जी। अच्छा क्या करते हैं फिलहाल में, जैसे अगर देखा जाए? ठीक है कला आप में है, और क्या करते हैं? जैसे क्या करते हैं साहब, वो चट्टी पे फल का दुकान है, उसमें बैठते हैं। सरकारी सुविधाएं कुछ मिलती है कि नहीं? बस पेंशन मिलता है साहब, और कुछ नहीं मिलता है। सोचे हैं बैटरी वाले गाड़ी मिल जाए तो ठीक होता है, अभी बैटरी वाली गाड़ी नहीं मिली है। दुर्भाग्य है इस गाजीपुर का, मैं खुद गाजीपुर से हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे होनहार को लोग नहीं देख पाते हैं। मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आहत पहुँचने लगती है कि जितेंद्र ये सब क्या हो रहा है। सरकार को हम कोसे कि यहाँ के शासन प्रशासन को कोसे, किसको कोसे समझ में नहीं आता है। और महाराज जी बैठे के चिल्लाते हैं, भाइयों बहनों कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो आप किसको दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कभी आपने अप्लाई किया कि नहीं? नहीं सर, अप्लाई किए हैं सर। अप्लाई किए थे तो उसमें 5% कम था, तो उसमें नहीं मिला। क्या परसेंट? 5% 75% हमारा सर्टिफिकेट है, 80% पर मिलता था जी भाई। अब भैया देख लीजिए, ये लोग ना पता कैसे सर्टिफिकेट बनाते हैं कि इनका 75%। आप समझ सकते हैं कि दोनों पाँव और एक पाँव और एक हाथ ऐसे ही मतलब है, लेकिन 75% महोदय जी ने बना दिया। लेकिन बनाने का उद्देश्य ये रहा कि ये 75% बनाते हैं, लेकिन उस 75% का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर देखा जाए तो 100% भी कम पड़ जाएगा, जिसके दोनों एक हाथ और एक पैर दोनों अगर दिव्यांगता है, तो आप किस श्रेणी में आते हैं आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रहा, आज हमारे बीच में थे मनु जी। और क्या मतलब शासन प्रशासन से क्या आप मतलब कुछ कहना? शासन प्रशासन साहब, हम यही कहना चाहते हैं कि हम साहब जंगल में रहते हैं, हमारे रहने के लिए घर द्वार नहीं है साहब। तब भी हम दो बच्चा छोटे छोटे अपनी बीवी लेकर जंगल घर में साहब रहते हैं। अच्छा। कोई भी जाड़ा हो या गर्मी या बरसात, जो भी मौसम है उसमें रहते हैं साहब। अच्छा जी, हम चाहते हैं अपने महोदय जी से कि हमको कुछ मिले मिले कुछ। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें मनु साहब, तो कैसे संपर्क कर पाए? नंबर से साहब बताइए, नंबर बताएं। 81-15-37-37-23। अगर आपको भी लगता होगा कि मनु साहब वाकई में काबिलियता है, मनु साहब कुछ दिखा रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सच्चाई जानने के लिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से आप भी इनसे रूबरू हो सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मनु साहब को ज़रूरत है किस चीज़। जब तक आदमी को भूख नहीं लगती है, तब तक चिल्लाता नहीं है भाई साहब। तो ऐसे हैं मनु साहब, जंगल में रहते हैं। जंगल के अगर देख लिया जाए तो पक्षियों के राजा कहे जाते हैं, अगर इनको कह लिया जाए तो बहुत कम है। पक्षियों के लोग चाहते हैं कि मैं इंसान के साथ ज़िंदगी बिताऊं, लेकिन ये कैसे इंसान है कि जो पक्षियों लोग जानते हैं कि पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। एक पशु था, पक्षी था, जो लोग चिल्होर कहते थे जी, चिल्होर चिल्होर चिलोर चिलोर जिसे बोलते हैं, चिलोर का नाम सुने थे? चिलोर देखे शायद लोग आवाज नहीं सुने। बहुत पुराना पक्षी था चिलोर, लोग कहते थे चिलोर का दादा। अच्छा तो आप जानते हैं चिलोर को? आप तो जानते होंगे चिलोर क्या था। हाँ, चिलोर का मतलब क्या कार्य था? हम लोग ऐसा था कि पहले भैंस गोरु मरते थे ना, तो उसको मांस खाती हो, मतलब डंगर सब खा जाता। हाँ, और गिद्ध गिद्ध भी थे, गिद्ध भी नहीं है और वो भी चले। अच्छा, इसमें जाने का उद्देश्य मतलब इसका क्या मतलब, क्यों पक्षी ऐसा था मर रहे हैं? इस पंछी में जो है कि ये जो दावा गला घोट होता है भैंस जी जी जी, तो वो मांस खाने पर वो मर गए लो सर। अच्छा। हाँ, अब है बनारस में है, बनारस में जहाँ पड़ावड़ा करता है वहाँ पर है बनारस। अच्छा, गिद्ध मिल जाएंगे? हाँ, गिद्ध नहीं मिलेंगे। हाँ, गिद्धों भी मिलेंगे और जो पंछी वो मिल जाएंगे।
अच्छा भैया देख लीजिए, चाचा जी को पता है पुराने ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। वाकई पशु पक्षियाँ मरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी दोष है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हकीकत है क्या। मनुष्य आप क्या लगता है कि पुराने जो पक्षी पक्षी अब लुप्त होते जाते हैं, अभी हाल ही में गौरैया हुआ करती थी, आप भी जानते हैं गौरैया बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन गौरैया भी इस ज़माने में नहीं देखने को मिल रहा है, अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। देखने के लिए मिले, बहुत कम मिल रही है देखने के लिए। गौरैया भी बोलती थी, कैसे गौरैया गौरैया ऐसे बोलती थी, ऐसे ऐसे गौरैया बोलती थी। तो ऐसे है गौरैया बड़ा कम देखने को मिल रही है, अब वजह है, वजह क्या हो सकता है मनु साहब गौरैया? वजह उन लोग का हम क्या बताएं साहब, पहले रहते थे अब इस समय नहीं है लोग, तो हम क्या बताएं उन लोग का, बाकी थोड़ी थोड़ी हाँ बहुत कहीं कहीं है। सही है, कहीं ना कहीं है, और ऐसे लोगों को तमाम इनका खबर आप देखेंगे तो तमाम मीडिया वाले आकर बनाए हैं, लेकिन भैया मीडिया वाले आकर बनाने से मतलब नहीं होगा, मैं चाहता हूं इनका जो उद्देश्य है, जो इनका लक्ष्य है वहां तक पहुंचे, वीडियो बनाकर आ जाए तो क्या मतलब है जी, है ना जी। आपका कुछ लक्ष्य भी है, उसको प्राप्त भी तो करना है ना जी। कि हम आए चाहे कोई आए, वीडियो बनाकर चला जाए तो क्या मतलब निकलेगा जी, है कि नहीं? तो सरकार आपकी सुने, मैं यही चाहूँगा। कभी अप्लाई किए कि नहीं घर और के लिए? नहीं, घर के लिए अप्लाई नहीं किए, अप्लाई किए थे तो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा आवास कैसे तुम्हारा होगा, जब तुम्हारा कहीं गुस्सा जमीन नहीं है, तो जमीन हमारा नहीं है, गुस्सा कहीं कैसे आवास पास होगा? जमीन भी नहीं है? नहीं है साहब। अरे बात में फुटपाथ पे जीते हैं जी, बगीचे जंगल झाड़ में रहते हैं अपना परिवार लेकर जी। तो देखिए इनके अगल बगल वाले भी कह रहे हैं कि सच्चाई है, तो आप भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नंबर इन्होंने दे दिया है, और मैं चाहूँगा यहाँ के शासन प्रशासन से भी और यहाँ के मंत्री विधायक से भी चाहूँगा कि मनु साहब जैसे लोगों पे हमें देना चाहिए ध्यान, अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा, क्या मनु साहब? जी सर। और कुछ करना चाहेंगे? जी नहीं साहब, इतने बस करना चाहते मनु साहब और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्या है, भोजपुरी में एक कहावत है ना कि जेकर बेवाय न फाटे उ पीर पर आए काज जाने, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मनु साहब को दर्द है, वो आहत इनको पहुँचती है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।